नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चित्रकूट की, जहां पर सदर एसडीएम राम प्रकाश ने बदसलूकी की है पीठासीन अधिकारी से। पीठासीन अधिकारी को एसडीएम सदर राम प्रकाश ने गालियां दी हैं और गालियां देने वाला जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। पीठासीन अधिकारी को मारने के लिए एसडीएम दौड़ पड़े। एसडीएम की बदसलूकी से चुनाव प्रक्रिया भी बाधित हो गई। चित्रकूट के करवी तहसील में तैनात है ये दबंग एसडीएम राम प्रकाश, और इनकी दबंगई या गुंडई कहें उसकी ये जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल हो रहा है। सोहन लाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं चित्रकूट से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सोहन लाल, क्या हुआ था कि एसडीएम साहब ने तमाम बातों को, तमाम चीजों को नजरअंदाज करके इस तरीके का व्यवहार पीठासीन अधिकारी से किया? जी, आपको बता दूं, ये जो है आज सुबह लगभग 11 से 12 बजे का मामला है, जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी तो उसी बीच एक पीठासीन अधिकारी अपनी किसी समस्या को लेकर के ड्यूटी कटवाने के लिए एसडीएम राम प्रकाश से एप्लीकेशन लेकर के गया था, जिसको लेकर के एसडीएम और पीठासीन अधिकारी से कहा सुनी हो गई और एसडीएम राम प्रकाश इससे बेकाबू हो गए और डंडा लिए हाथ में पीठासीन अधिकारी को मारने की धमकी देते हुए आप शब्दों का प्रयोग किया, यहां तक गाली गलौज की नौबत आ गई और उन्होंने गाली भी दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। एसडीएम राम प्रकाश सदर तहसील करबी में तैनात थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहन लाल इस जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध हालात में एक बीए की छात्रा लापता हो गई है। परिजनों ने ग्रेटर नोएडा के जारचा कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया है। बीए की ये छात्रा है जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम को कोचिंग के लिए छात्रा अपने घर से गई थी और उसके बाद से ही ये लापता है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए केस दर्ज किया है। जारचा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इससे पहले बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण परिजन थाने पहुंचे और थाने में जमकर हंगामा किया है। तो ग्रेटर नोएडा का ये मामला है जहां पर एक बच्ची, एक छात्रा जो घर से बाहर निकली थी, शनिवार को निकली थी और उसके बाद से ही वो लापता है, जिसके बाद आज परिजन जारचा थाना पहुंचे और वहां पर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि लड़की जो लापता हुई है वो कोचिंग के नाम से घर से बाहर निकली थी और उसके बाद से ही लापता है। पुलिस को दिए रिपोर्ट में, एफआईआर में परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। हालांकि परिजनों की ओर से किसी पर शक जाहिर नहीं किया गया है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। ललित, परिजन अपहरण की बात कर रहे हैं, क्या किसी पर शक जताया है परिजनों ने? जी, ये ग्रेटर नोएडा जाटा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर जाटा कोतवाली के अंदर परिजनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया है। पर जहाँ पर पुलिस की तरफ से बताया गया कि एक जो छात्रा है बीए में, वो बीए में पढ़ रही थी, उसका वह गायब है, बीते 2 दिनों से गायब है। लेकिन यही जो परिजन है, परिजनों के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि छात्रा का अपहरण हुआ है और परिजनों की तरफ से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन वही पुलिस की तरफ से गुमसुपी दर्ज की गई है। इसको लेकर ग्रामीणों व परिजनों के द्वारा थाने का घेराव किया गया, वहां पर हंगामा किया गया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण ने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। प्रदेश में कोरोना का मामला अब 30,000 के पार पहुंच चुका है। एक दिन में 30,596 नए केस रिपोर्ट हुए हैं।
तो उत्तर प्रदेश में कोरोना किस तरीके से फैल रहा है, संक्रमण के मामले कैसे फैल रहे हैं, ये बताने के लिए ये आंकड़े ही काफी हैं कि पिछले 24 घंटों में 30,596 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 129 लोगों की जान भी गई है। लखनऊ की बात करें तो सिर्फ लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा केस, यानी 5,551 नए केस आए। प्रयागराज में 1,711, कानपुर में 1,839, वाराणसी में 2,011। और लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,551 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 1,711 नए केस सामने आए हैं। कानपुर में ये आंकड़ा 1,839 है जो पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। वाराणसी में 2,011 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 लोगों की जान भी वाराणसी में गई है। झांसी में 954 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं बात बरेली की करें तो बरेली में आंकड़ा 868 का है। वहीं जयपुर में 814 नए कोरोना के केस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। मेरठ में ये संख्या 782 है, 782 मामले मेरठ में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 781 नए कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं बात करें नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की, तो पिछले 24 घंटों में 700 नए केस गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट हुए हैं। गाजियाबाद में 253 नए केस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहां पर 590 नए कोरोना के केस रिपोर्ट हुए हैं। आगरा में 440 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें, मुजफ्फरनगर में 381 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। मुरादाबाद की बात करें तो ये मुरादाबाद में आंकड़ा 357 का है। सहारनपुर में 317 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। अयोध्या में ये आंकड़ा 357 का है, 357 मामले अयोध्या में पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। मथुरा में ये संख्या 360 की है, 360 केस मथुरा में सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार के लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस को पालन कराने के लिए मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। वहीं लोगों को बगैर मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लॉकडाउन का दिख रहा असर, कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन मुस्तैद। रविवार को यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं। लॉकडाउन के संग कोरोना से जीतेंगे जंग। कोरोना काल की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, ऐसे में सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई एहतियाती उपाय किए हैं, जिसमें रात्रि कालीन कर्फ्यू और रविवार को लॉकडाउन शामिल है। रविवार को पहले लॉकडाउन के दौरान गाजियाबाद में प्रशासन मुस्तैद है। बाजार तो बंद है, लेकिन लोग अब भी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, बेपरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं कुछ तो बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। ये लोग कोरोना की भयावहता को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लगा हुआ है। मार्केटें बंद हैं, लगातार मार्केटें बंद हैं और लगातार लोग अपने घरों से निकलकर रोडों पर घूम रहे हैं। वहीं लखनऊ में लॉकडाउन के साथ सैनिटाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। प्रशासन अमला सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने में जुटा है। राजधानी समेत प्रदेश में जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावी नजर आ रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं अटल चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं। हालांकि इक्का दुक्का गाड़ियां आती जाती देखी जा सकती हैं, जो ये लोग इक्का दुक्का देखे भी जा रहे हैं, इनसे भी पुलिस रोक कर पूछताछ कर रही है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में 35 घंटे के लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, कुछ जरूरी सामानों की दुकान और मेडिकल स्टोर ही खुले हैं। पूरी मार्केट बंद है और इसके साथ ही सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जो भी अपने घरों से निकल रहे हैं वो मास्क लगाकर ही निकल रहे हैं, और मास्क लगाकर निकलने के साथ ही लोग जगह जगह पर सामानों की अपनी खरीदारी भी कर रहे हैं।
वहीं अयोध्या में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन व्यापक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम में जुटा है। तमाम सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। किस तरीके से फायर ब्रिगेड का दस्ता लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से प्रॉपर सैनिटाइज भी किया जा रहा है, 24 घंटे सैनिटाइज हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाम को उनको सुरक्षित रखने के भरोसा दिलाते हुए वह अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन शहर को सैनिटाइज भी कर रहा है, वहीं बगैर मास्क वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। पाठ चल रहा है क्या, जिंदगी से ज्यादा पाठ? सरकार का आदेश है कि इस तरह से बाहर नहीं घूमना है, 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, क्यों घूम रहे हैं? देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की समस्या है, पूजा पाठ तो कुछ लोगों की समस्या है कंपनी। वहीं संभल में कर्फ्यू और लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चौराहे पर पीछे जो अभी लोग मजबूरी से ये लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ से, ये शायद इनको क्या मजबूरी होगी, लेकिन अधिकतर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बहरहाल सरकार की कोशिश है कि कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एहतियाती उपाय से क्या आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज वन इंडिया के लिए गाजियाबाद से प्रदीप, मेरठ से अतुल, लखनऊ से नीलेश, अयोध्या से राघवेंद्र, प्रयागराज से आलोक, संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। तो हम दिखाने जा रहे हैं कर्फ्यू और लॉकडाउन का रियलिटी चेक। दरअसल उत्तर प्रदेश में शनिवार 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू है। ऐसे में नोएडा में इसका नजारा किस तरीके का रहा, इसका जायजा लिया न्यूज वन इंडिया की टीम ने। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछली बार से अब की बार रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ दिया है। लगातार कोरोना संक्रमित केस सामने आ रहे हैं। अगर जो बात की जाए तो 2 लाख से भी ऊपर हो चुके हैं पूरे देश वर्ष में। कोरोना के आंकड़े लगातार प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और देखना यह है कि किस तरीके से रोडों पर इसका असर दिख रहा है और किस तरीके से जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका लोग पालन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि न्यूज इंडिया के रियलिटी चेक में क्या कुछ देखने को मिलता है। न्यूज वन इंडिया की टीम ने नोएडा और गाजियाबाद से सटे इलाके सेक्टर 62 और NH का जायजा लिया तो राहत की बात ये रही कि लोग पूरी तरह कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते नजर आए। कर्फ्यू का असर साफ दिखा, रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। नोएडा में भी क्या कर्फ्यू का असर है वो हम देखने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये नोएडा सेक्टर 62 गोल चक्कर है, सेक्टर 62 का गोल चक्कर है। और इस गोल चक्कर पर प्रतिदिन जो देखा जाता था वो लाखों की संख्या में यहाँ से लोगों का आगमन रहता था। और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये NH 24 हाईवे है, जो हाईवे प्रतिदिन यहाँ से लाखों गाड़ियाँ प्रतिदिन गुजरती थी। अब उस रोड पर कोई कोई गाड़ी, इक्का दुक्का गाड़ी यहाँ से गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। जो कर्फ्यू का पालन, लोग जो है कर्फ्यू का साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। जो संडे जो कर्फ्यू लगाया गया है, जो 35 घंटे का कर्फ्यू है, उसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम नोएडा के सेक्टर 37 पहुंची तो वहां पर सन्नाटा तो दिखा, लेकिन प्रवासी मजदूरों का पलायन भी देखने को मिला। हमारी टीम ने प्रवासी मजदूरों से बात भी की। हम नोएडा के सेक्टर 37 पर हैं और 37 पर आप देखिए किस तरीके से प्रवासी मजदूर जो है उनका जाना शुरू हो चुका है। लोगों को डर है कि फिर लॉकडाउन न लग जाए। और आज कर्फ्यू का दिन है और जिस तरीके से आप देखिए कि बस के अंदर जो लोग जो हैं बैठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? RP त्यागी। RP जी कहाँ जा रहे हैं आप? गांव जा रहे हैं, काम की प्रॉब्लम से, काम मिल नहीं रहा है। पूरे 1 साल 13 महीने हो गया। गुड़गांव में नौकरी करता था मैं, गुड़गांव से अभी मैं साल भर से बैठा हुआ हूँ। अपने बैग कपड़े जो लेकर आए हैं और वो उनको लेकर
अब जाने का पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। आप देखिए पीछे ये बस खड़ी हुई है, ये बस है और बस जो है जो परिवहन निगम बस है 50% बसें चल रही हैं। संडे लॉकडाउन का असर, रियलिटी चेक का मकसद ये। हमारी टीम नोएडा के बहुचर्चित मार्केट सेक्टर 18 अट्टा मार्केट पहुंची, जहां वैसे तो रोज काफी भीड़ होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अट्टा मार्केट में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ देखने को मिला। इस वक्त नोएडा के सेक्टर 18 में आ चुके हैं। सेक्टर 18 की वही बहुचर्चित मार्केट जो नोएडा के अंदर मार्केट है, जिसे अट्टा मार्केट कहा जाता है। आप देखिए कर्फ्यू के दिन पूरी तरह से यहाँ पर शांत माहौल है और असर देखने को मिला है कि जिस तरीके से पूरी मार्केट जो है मार्केट में सन्नाटा देखने को मिला है। साफ तौर पर ये वो मार्केट है जहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं और जिसके बाद आज संडे में कर्फ्यू है, कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से असर देखने को मिलता है। जो आम जनता है वो भी इस कर्फ्यू का पालन करती ही नजर आ रही है। बहरहाल कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए रात्रि कालीन कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना को लेकर लोगों में अवेयरनेस बेहद जरूरी है, तभी कोरोना से हम जंग जीत पाएंगे। सीपी आलोक सिंह लगातार निर्देश दे रहे हैं, इसको देखते हुए आम जनता उसका पालन भी कर रही है। वहीं कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं वो डर की वजह से प्लान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। विजिलेंस गाइड के साथ मनीषा शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। बलिया में दबंगों ने डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया है। होम आइसोलेट एक मरीज को देखने के लिए डॉक्टर्स गए थे, उसी दौरान उन पर हमला हुआ है। इस हमले में डॉक्टर और उनके सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बलिया के कोटुआ पीएचसी की टीम मधुबनी गांव गई थी, जहां पर उन पर दबंगों ने हमला किया। इस हमले में डॉक्टर नीरज के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो बैरिया थाने गए हैं केस दर्ज करवाने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मनोज राय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्यों डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया गया? जी, आपको बताते चलें कि अभी कोरोना संक्रमित लोगों की मधुबनी गांव में पुष्ट केस है, जहां 3 लोग कोरोना संक्रमित है, जिनको जांच के लिए उनके होम आइसोलेशन को चेक करने के लिए मेडिकल टीम यहाँ कोटवा पीएसी से निकली हुई थी मधुबनी के लिए, जो थाना बैरिया में पड़ता है। लेकिन वहां के लोगों ने उनको आईडी मांगते हुए और मेडिकल टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें कि 2 डॉक्टर चोटिल हो गए, जिसमें 1 डॉक्टर की बांह तक फ्रैक्चर हो गई है। विषय यह है कि यह घटना करीब 2 बजे की है और ये मारपीट की लाइव वीडियो जो है अधिकारियों के ग्रुप में दौड़ रहा है, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और ना ही उस डॉक्टर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। सभी लोग अभी सोनबरसा पीएससी पर बैठे हुए हैं और बैरिया थाने में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं है। वहीं पर सुशील त्रिपाठी कर्मचारी नेता सीएमओ से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।